सैमसंग डबल डोर फ्रिज कैसे रिपेयर कर सकते हैं, प्लस इसके दो पीसी भी लगी होती है, एक पीसी भी होती है जो इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल होता है, प्लस एक पावर पीसी भी होती है जो क्या होता है इंडिकेटर देती है अगर आपके जो इसमें सेंसर वगैरह लगे होते हैं, फैन वगैरह लगे होते हैं, ये उसका एरर देती है, और ये आपका कंप्रेसर का एरर देती है अगर कंप्रेसर या फिर आईपीएम पीसी मतलब आईपीएम खराब होता है तब ये दिक्कत देती है, या फिर आपका कंप्रेसर जो है ऑन नहीं हो रहा है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि कंप्रेसर ठीक है या नहीं। तो मैं हर एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से बता दूंगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करना है, मैं इसकी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ बताऊंगा। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ध्यान रखना है ये वाली जो पीसीबी आपकी छोटी वाली पीसीबी है आईपीएम पीसीबी है, जो बड़ी वाली पीसीबी है पावर पीसीबी है। तो बड़ी वाली पीसीबी पावर पीसीबी होती है जो डबल डोर फ्रिज होते हैं, और सिंगल डोर फ्रिज में क्या होता है इस पीसीबी का यूज होता है। सिंगल डोर जो फ्रिज होते हैं कुछ पीसीबी ऐसी होती है इसमें केवल एक कैपेसिटर लगा होता है, बट यहाँ पे क्या है दो कैपेसिटर लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इसमें ऑन करके उसके बाद जो है यहाँ पर पावर चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो है मेन सप्लाई हमारी ये ऑन सीधा यहाँ से यहाँ पे गई है, मतलब ये पावर है, पावर वाली जो वायर है 220 वोल्ट हमारे यहाँ है, फिर यहाँ से आउट होके सीधा हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके फिर ये यहाँ पर आती है मतलब सप्लाई। तो पहले आपको ये क्लियर करना है कि यहाँ तक सप्लाई आ रही है, इसके बाद सप्लाई जो है यहाँ तक इसके बाद जो सप्लाई है वो यहाँ से अंदर जाती है, अंदर से फिर इस पीसीबी में आती है या नहीं, ये चीज़ पहले क्लियर करना है। तो यहाँ से क्या है हमें 220 वोल्ट यहाँ पे एसी देना है, और उसके बाद जो मैं ऑन करके यहाँ पे लाइट बिलिंग करेगी, तो मैं देखें आप तो यहाँ पे देख रहे हैं आप वन टाइम लाइट बिलिंग करती है, उसके बाद जो है लाइट ऑफ हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका जो आईपीएम पीसीबी है वो काम कर रहा है, अगर फिर भी काम नहीं कर रहा तो आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। क्या करना है आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है, तो सबसे पहले मीटर मीटर को जो है एसी वोल्ट पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे 220 वोल्ट एक चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले मीटर लेना है, मीटर जो है यहाँ पे एसी बोर्ड पे सेलेक्ट करना है, मैंने क्या है इसे एसी बोर्ड पे सेलेक्ट कर दिया, 450 एसी बोर्ड यहाँ पर मीटर में शो हो रहे हैं। तो आपको कहना है ये जो मेन सप्लाई आई है आपकी, मेन सप्लाई जो यहाँ से गुजर के गई है सीधा रेड और ब्लैक वायर, वो कहाँ है यहाँ पर जो पावर पीसी में, यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है, दोनों नोप लगानी है, और उसके बाद यहाँ पे एसी बोर्ड शो होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको लगाना है ब्लैक पे और रेड पे नोब। तो यहाँ पे 241 242 इस तरीके से वोल्टेज शो हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है आपकी पावर पीसी भी ओके। अब यहाँ से जो सप्लाई है वो आपको चेक करना है इन वाले पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो होते हैं यू बी डब्ल्यू होते हैं तीन वायर, यहाँ पे यू बी डब्ल्यू ये तीन वायर हैं, आपको मैं दिखा भी दूंगा, यहाँ पे लिखा है यू बी डब्ल्यू, मतलब ये कंप्रेसर का जो है कनेक्शन होते हैं नीचे की साइड जो आप देख रहे हैं, थोड़ा और करीब से दिखाता हूँ इससे कि आपको समझ आ जाए यू वी डब्ल्यू, ठीक है। अब इन पे आपको सप्लाई चेक करना है, एक जो है आपका ब्राउन है एक रेड है, यहाँ पे 220 वोल्ट मतलब 240 इस तरीके से एसी वोल्ट आना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लिक मतलब दोनों नोप लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सप्लाई देखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 224 242 इस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, एसी वोल्ट इस तरीके से यहाँ तक आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका जो पावर पीसीबी भी ओके और आईपीएम पीसीबी ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, मतलब वोल्टेज जो है यहाँ तक आ रहे हैं। अगर आप दिक्कत देते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो पावर पीसीबी है वो जो है लाइट ग्लो करती है कितने टाइम, अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे एरर आपको क्लियर कर सकते हैं, या फिर आपकी जो आईपीएम पीसीबी है कोई दिक्कत दे रही है फिर टू टाइम या थ्री टाइम लाइट बिलिंग करती है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। ये भी वीडियो एक मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा कि आप अगर एरर आते हैं तो उसमें कौन सी किस में क्या दिक्कत होती है। अभी फ़िलहाल क्या है यहाँ पे अगर पीसीबी में कोई दिक्कत होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कैपेसिटर वीक है, मतलब ये जो कैपेसिटर वीक है या फिर कैपेसिटर फूल गया है, तो ये आईपीएम जो पीसीबी है अगर कैपेसिटर आपका वीक होगा तो आईपीएम ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। या फिर कोई दिक्कत आती है आईसी ये छोटी वाली उड़ जाती है तब भी ये दिक्कत आती है कि आपका जो कंप्रेसर है ऑन नहीं होता है, अगर कोई फॉल्ट होगा तो आपको नज़र आ जाएगा, फ्यूज ख़राब होगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ तक सप्लाई नहीं आएगी। तो आप फ्यूज जो है मीटर लें, मीटर को क्वांटिटी की जगह पर सेट करेंगे उस चेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल है यहाँ पर क्या है कंप्रेसर इसका ऑन नहीं हो रहा, तो उसको कैसे आपको क्लियर करना है कि अगर कंप्रेसर ऑन नहीं होता है इन्वर्टर फ्रिज का तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है थोड़ा आप ये समझ लें, ये जो होता है कम्युनिकेशन वायर होता है, मतलब जो हमारा पावर पीसी पे यहाँ लगा होता है और सीधा ये वायर आती है आपके यहाँ पर और ये आ जाता है इसका जैक। तो इसे आप थोड़ा समझ लें, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, 5 वोल्ट होता है एक वायर, एक ग्राउंड वायर होता है और एक होता है आरपीएम, मतलब कंप्रेसर की जो स्पीड होती है उसको हम आरपीएम बोलते हैं, मतलब कितने आरपीएम पे चलता है। एफ बी मतलब होता है फीडबैक, तो यही सेम क्या होता है यहाँ पर भी लगा होता है, मतलब इसका जो जैक होता है इसमें भी यहाँ पर ए लिखा होता है। 5 वोल्ट है, ग्राउंड वायर है,
कंप्रेसर आरपीएम, और इसमें जो है ए बी बोले तो फीडबैक वायर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ गया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अगर ये वायर कट होता है तो क्या दिक्कत आती है, यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन नहीं मिलता है तब क्या दिक्कत आती है। अभी फ़िलहाल मैंने जैक निकाल दिया है और इसका कंप्रेसर ऑन, मतलब आईपीएम पीसीबी लाइट बिलिंग करके ऑन हो गई है। तो यहाँ पे क्या है, ये लाइट ग्लो करने लगी क्योंकि हमने ये जो है ये निकाल दिया है इसका जैक। तो ये जैसे ऑन करती है तो उसमें क्या है, यहाँ तक सप्लाई नहीं जाएगी और ये जो पीसीबी है ये एरर देना स्टार्ट कर देगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर देना स्टार्ट कर दिया, वो आप काउंट कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल कर लिया, ये 12 टाइम लाइट बिलिंग हो रही है, तो आप देख लें। तो आप भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं कुछ देर के लिए होल्ड रखता हूँ वीडियो और आपको इसे कॉन्ट कर ले और क्लियर नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपकी पीसीबी जो ये आईबीएम पीसीबी जो पावर पीसीबी है, पावर पीसीबी यहाँ तक कम्युनिकेशन इन दोनों पीसीबी के नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। तो ये दोनों पीसीबी जो होती है, अगर यहाँ पे वायर कट हो जाता है या फिर ये पीसीबी जो होती है वोल्टेज ऑड नहीं करती है, 5 वोल्ट ऑड नहीं करती है, या फिर जो ग्राउंड वायर है उसको सप्लाई नहीं मिलती है, फीडबैक नहीं मिलती है इस पीसीबी को, तब ये दिक्कत आती है कि वहाँ पे 12 टाइम लाइट बिलिंग करती है। अभी क्या है, हम इसको मतलब जैक जो है हम इसको लगाते हैं और उसके बाद हम जो है ऑन करते हैं इसको दोबारा। तो यहाँ पे क्या है आप देखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो के फिर जो है इसका जो एरर है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, मतलब एरर जो है वो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो दोनों पीसीबी हैं इनका कम्युनिकेशन मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑन हो गया। तो उसके बाद भी अगर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है तब वहाँ पे क्या दिक्कत होगी, आप उसको कैसे मतलब क्लियर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या है, यहाँ पे इसका जो कंप्रेसर है नीचे तक इसने आईपीएम पीसीबी में सप्लाई आउट कर दी, वो आप कैसे क्लियर करेंगे कि यहाँ पे सप्लाई आउट हो गई या नहीं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल क्या है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद जो है हम इसको नीचे आपको कंप्रेसर को चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम पहले आईपीएम जो पीसी मतलब आईपीएम पीसीबी है तो यहाँ पे यूवीडब्ल्यू जो है इसकी सप्लाई ऑड कर रही है नहीं, ये आप कैसे चेक करेंगे कंप्रेसर सप्लाई पहुँच रही है या नहीं, उसको कैसे क्लियर करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको एसी बोर्ड पे मीटर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप डीसी भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक नोब आपको न्यूट्रल पर रखना है ए वाले वायर पर, एक यूवीडब्ल्यू पे। यहाँ पर आप वोल्टेज चेक करेंगे, देखेंगे आप तो यहाँ पर क्या है 163 वोल्टेज आ रहा है। अब दूसरे पर हम लगते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 163 आ रहा है, और ऐसे तीसरे पर रखना है तो यहाँ पे जो है इसके वोल्टेज 163, मतलब वोल्टेज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब जो पीसीबी सप्लाई ऑड कर रही है कंप्रेसर को नीचे। फिर भी अगर कंप्रेसर ऑन नहीं होता आप कैसे चेक कर, मतलब कैसे आप क्लियर करेंगे कंप्रेसर क्यों ऑन नहीं हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है, एक न्यूट्रल पे रखना है, बाकी एसी बोर्ड पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल पे रख के यूवीडब्ल्यू पे आपको रख देना है, ठीक है। रख के उसके बाद वोल्टेज जो है सेम तीनों में सेम वोल्टेज आना। तो यहाँ तक जो है सप्लाई चेक कर लेना है, बाकी मैंने जो आपको बताया उस तरीके से आपको चेक करना है, न्यूट्रल से यहाँ पे तीनों में सेम सप्लाई आना चाहिए। अब बात करते हैं कंप्रेसर, अगर कंप्रेसर ऑन नहीं होता तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। उससे पहले आपको क्या है एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये यूवीडब्ल्यू है यहाँ पर जो वायर है, यहाँ ऐसा होता है कभी कभी बीच में से वायर कट जाती है तो आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो मीटर लेना है, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पर सेट करना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ये वाला सिंबल जो है, मतलब ये वाला जो सिंबल है, मीटर क्वांटिटी की रेंज पर सेट करना है। और उसके बाद जो है आप एक नोप यहाँ रखेंगे और एक क्या होगा नीचे, जैसे कि यहाँ पर जैक है जो आपका यूवीडब्ल्यू होते हैं यहाँ पे जैक आता है, उस जैक को निकालना है। और उसके बाद जो है अलार्म आपको देख लेना कि अलार्म बज रहा है या नहीं बज रहा है। अगर अलार्म नहीं बजता है तो ऐसा होता है कि वो जो होता है अलार्म नहीं बजेगा तो आपका जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं होगा। तो क्या करें आप इसको क्या है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं पेचकस डाल के। और यहाँ पे क्या होता है सैमसंग वाले जो भी फ्रिज होते हैं उनमें क्या होता है ओवरलोड भी लगा होता है, मतलब ऑयल भी लगा होता है। ऑयल भी आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस उससे पहले जो मैंने आपको बताया कि आप यूवीडब्ल्यू जो है इसके यहाँ से और ऊपर जो है ऊपर से आएँ जो पीसीबी से आएँ वो वायरिंग आप चेक कर लें, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर। ऐसा होता है कभी अगर वायर कट जाते हैं या फिर वायर बीच में से जल जाते हैं तब भी ये दिक्कत आ जाएगी, आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो है ओवरलोड को मैं चेक करके दिखाता हूँ, ओवरलोड भी अगर ख़राब होगा तब भी आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो ओवरलोड को कैसे चेक करना है, मीटर लेना है, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है, उसके बाद एक नोब यहाँ रखना है, एक साइड से रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है अलार्म का साउंड आना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस वो होना चाहिए कुछ वरना अलार्म का साउंड आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अलार्म का साउंड आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपका जो ओवरलोड है वो ठीक है। ऐसा होता है अगर कार्बन वगैरह होता है तो इस वजह से नहीं बचता है, तो आप उसको देख लें कार्बन वगैरह उसको साफ़ कर दें। और उसके बाद जो है अब हम कंप्रेसर जो है चेक करके दिखाते हैं, कंप्रेसर आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको,
ये पाइप है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेना है जिससे कि आपका जो है क्लियर नज़र आ जाए, कि अगर शॉर्ट होगा तब ये दिक्कत देगी। उससे पहले क्या है, आपको तीनों पे स्टेप बाय स्टेप लगाना है। तो जो इसके UVW है उन पे आप पे तीनों पे लगाना है, जैसे कि ये चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको सेट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है, उसके बाद आपको दोनों जो नोब हैं वो लेनी है। और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम UVW पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप मीटर में देखेंगे, मीटर में जो होगा वैल्यू इसकी, मतलब जो होंगी वैल्यू सेम रहना चाहिए तीनों पे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मैं आपको लगा के फिर दिखाता हूँ, और जो है आप मीटर में नोट करें। पहले मैं ये दो पे लगाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या है, यहाँ पे दो पे लगा दी, इसकी जो आप देख रहे हैं 1600 हो रही है, मतलब इसमें। उसके बाद मैं दूसरे पे लगाता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 1600 हो रही है। उसके बाद मैं तीसरे पे लगाता हूँ यहाँ पर, तो इसमें भी 1600 हो रही है। तो इस कंडीशन में आपका जो कंप्रेसर है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप कंप्रेसर चेक कर सकते हैं, मतलब इसका जो है मीटर लेना है, क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसके पॉइंट होते हैं, पहले एक पॉइंट पे लगाना है, फिर दूसरे पॉइंट पे, फिर तीसरे पॉइंट पे। इसी तरीके से हम जो इस पॉइंट बाई पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका कंप्रेसर अगर सेम वैल्यू सो होती है, सेम वैल्यू सो रहेगी यहाँ पर मीटर में, तीनों में सेम आना चाहिए, तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ओके। अब मैं इसकी शॉर्टेज चेक करके दिखाऊंगा। और उससे पहले एक चीज़ और सुन लें आप, अगर यहाँ पे जैसे एक में 16 दिखा रहा है और एक में 14 दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ख़राब है, ठीक है। तो इससे आप ये चीज़ क्लियर कर लें कि आपका कंप्रेसर ख़राब है। अब मैं जो इसकी शॉर्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो मीटर उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, मीटर को जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है, और उसके बाद एक नोब बीच में लगाता हूँ यहाँ पर और एक यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है, अगर अलार्म का साउंड आता है, उसके बाद दोबारा इस पे लगाना है, फिर इस पे लगाना है, तो यहाँ पे कोई अलार्म का साउंड नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो कंप्रेसर है, इसकी बैंडिंग जो है वो शॉर्ट नहीं है, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। पहले आपको मैंने जो तरीका बताया कि आप जो है इसमें वैल्यू तीनों की चेक करेंगे, सेम रहना चाहिए, तो इस कंडीशन में कंप्रेसर हो गया, उसके बाद शॉर्टेज चेक करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर शॉर्ट होगा तो यहाँ पे अलार्म का साउंड आ जाएगा, तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं, सब कुछ ठीक है उसके बाद भी अगर कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, पीसीबी सप्लाई ऑट कर रही, वायरिंग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी अगर कंप्रेसर ऑन नहीं होता, तो इसका कंप्रेसर का क्या होता है, इन्वर्टर मॉडल का रूटर जाम हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है, कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। कंप्रेसर क्या होता है, घूं की आवाज़ करता है, एकदम बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में 100% आपका रूटर जाम हो जाता है, रूटर ख़राब हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है। तो कंप्रेसर का अगर रूटर ख़राब होता है या रूटर जाम हो जाता है, तो कंप्रेसर एकदम चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो ये इससे आप क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।